शराब पीने के बाद अक्सर लोग बहक जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। किसी को ड्रिंक करने के बाद कुछ याद नहीं रहता तो किसी का सर घूमने लगता है, कोई लड़खड़ाता है तो कोई साफ नहीं बोल पाता है, किसी को हैंगओवर तक हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ को चोट लगने पर दर्द का एहसास भी नहीं होता है। वहीं खाली पेट नशा ज़्यादा जल्दी होता है। आखिर ऐसा सब होता क्यों है? ऐसा महसूस होने के बाद भी लोग शराब पीते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अल्कोहल यानी शराब पीते ही सबसे पहले लीवर में पहुंचती है और वहां ये सिर्फ 10% तक एब्जॉर्ब होती है और बाकी की अल्कोहल छोटी आंत में पहुंच जाती है, जहां ब्लड वेसल्स इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लड में मिक्स कर देती है। अब ये ब्लड हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में तेजी से फैल जाता है और सबसे ज़्यादा लीवर और ब्रेन पर असर करता है। इसका स्वाद चखने वाले इससे दूर नहीं रह पाते क्योंकि इसे पीने से उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अल्कोहल दिमाग में पहुंचकर डोपामाइन यानी फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव कर देता है। ये वही डोपामाइन है जो प्यार होने पर भी एक्टिव होता है, तो इसलिए लोगों को शराब से प्यार होना स्वाभाविक है। ब्रेन में न्यूरॉन्स का जबरदस्त जाल होता है और इनमें प्रेजेंट गाबा न्यूरॉन्स और ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन्स हमें काम करने का ऑर्डर देते हैं। अल्कोहल ब्रेन में इन्हीं दो न्यूरॉन्स पर अटैक करती है। आसान भाषा में समझें तो ब्रेन शरीर के सभी हिस्सों तक मैसेज भेजने में धीमा हो जाता है, जैसे चलने का मैसेज, बोलने का मैसेज, चोट लगने पर दर्द होने का मैसेज। इसलिए ये सभी काम धीमे हो जाते हैं, जिसे नशा कहते हैं। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो आंखों के सामने हो रही सारी घटनाओं की जानकारी को स्टोर करता है। अल्कोहल ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को भी प्रभावित करता है, जिससे ज्यादा ड्रिंक के बाद हिप्पोकैम्पस की घटनाओं को स्टोर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और कुछ याद नहीं रहता। पेट में खाने की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि अल्कोहल ब्लड में कितने जल्दी घुलेगा, क्योंकि यदि पेट में खाना रहता है तो लीवर और छोटी आंत के बीच पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है, जो अल्कोहल को छोटी आंत तक आसानी से पहुंचने नहीं देता और इसे ब्लड में घुलने में वक्त लगता है। इसलिए खाली पेट नशा ज्यादा जल्दी होता है। हमारे लीवर में ADH और ALDH नाम के दो एंजाइम्स होते हैं। ADH अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में तोड़ देता है, जो एक टॉक्सिक पदार्थ है और यही हैंगओवर का मेन कारण होता है, और ALDH इस एसिटाल्डिहाइड को एसिटेट में बदल देता है। ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से ये दोनों ही हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लगते हैं। तो ये थे अल्कोहल पीने से शरीर में होने वाले असर। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।